हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय मसाला में। गाइस ये देखिए, दूध की मिल्क केक या लॉन्च और ये नारियल की बर्फी। तो देखिए हमने कैसे इजी ढंग से बताया हुआ है। इतनी खूबसूरत मिठाई, इस रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई को बनाने के लिए आप हमारी पूरी वीडियो देखें। हमें राखी स्पेशल एक और वीडियो, इस पिछली वीडियो में हम लाए थे बिना गैस जलाए मिठाइयाँ बनाना। इस वीडियो में हम गैस जला करके आपको कुछ मिठाइयाँ बताएंगे। इसमें सबसे पहले मिठाई है हमारी नारियल की बर्फी। तो चलिए बनाते हैं नारियल की बर्फी। ये देखिए गाइस, 2 स्पून के करीब घी है, ये हम इसमें डाल देंगे जो हमारा ये मेल्ट हो जाएगा। और इसमें अब हम अपना डालेंगे नारियल, तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखिए 1 कटोरी नारियल और 2 कटोरी नारियल। तो इसको हम धीमी आंच पर ही भूनेंगे, क्योंकि तेज आंच पर अगर आप भूनोगे तो ये जल जाएगा। ये देखिए हमारा भून चुका है। अब इसमें हम दूध डालेंगे, ये 1/2 कटोरी दूध है, इसको हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और भी डालेंगे दूध थोड़ा सा। ये देख सकते हैं गाइस, दूध और हमने 1 कटोरी ले लिया, तो करीब हमने 1.5 कटोरी दूध ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए गाइस, हमने इसमें आप 2 कटोरी तक दूध कर सकते हैं। ठीक है, हमने 1.5 कटोरी डाला, 2 कटोरी तक कर सकते हैं। तो इसको अब हम अच्छे से पका लेंगे, जब तक ये हमारा बिल्कुल ड्राई ना हो तब तक हम इसे पकाएंगे। ठीक है गाइस, इसको चलाते हुए हमें भूनना है। ठीक है, बिल्कुल ड्राई हो जाए, उसके बाद में हम अगला इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, सूख चुका है हमारा नारियल। ठीक है, और अभी कुछ कुछ मॉइस्चर है। ठीक है, तो हमने 1 कटोरी शुगर ले ली है, ये हमारी पीसी हुई शुगर है, आप चाहे खड़ी शुगर भी ले सकते हैं। और इसकी फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि हमें चीनी को मेल्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। देखिए गाइस, चीनी पड़ने के बाद हमारी चीनी मेल्ट हुई है शुगर, तो कैसे गीला हो गया। तो इसको अब हम धीमी धीमी फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। चाहे तो थोड़ी सी आप हाई फ्लेम कर लीजिए, बट ये याद रखें कि नीचे तली में लगे नहीं। ठीक है, तो इसको अब हम अच्छे से पकाते हैं, बिल्कुल डो फॉर्म में लेके आते हैं अच्छे से, फिर हम मिलते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा डो की तरह बनने लगा है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, तो इसका मतलब ये हमारा हो चुका है। तो अपनी फ्लेम को हम बंद कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हमने फ्लेम को बंद कर दिया है, बट अभी हम अपनी कढ़ाई में ही इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज्यादा गर्म है और हम इसको ठंडा करेंगे। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा इलायची पाउडर क्रश करके हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे। ये देखिए गाइस, वैसे तो नारियल अपने में ही एक रिच है, इसकी मिठाई वैसे भी बहुत अच्छी रहती है, खुशबू बहुत अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसमें दूध पाउडर डाल रहे हैं, 2 स्पून करीब, और इसको हम मिक्स कर देंगे बस। ये देखिए गाइस, इतना ठंडा हो गया कि हम आसानी से इसको छू सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम अपनी इस तरह से प्लास्टिक का कंटेनर सबके यहाँ होता है, तो इसीलिए हमने इसको ठंडा किया, बट बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। और इसमें अब हम इसे सेट कर देंगे। ठीक है, देखिए गाइस, इसको हाथ से हम फ्लैट कर लेंगे, बट एक चीज याद रखिएगा, हमें इसको ठंडा करना है, बट इतना ठंडा नहीं करना है कि एकदम ठंडा हो जाए, बस इतना ठंडा करना है कि हम अपने हाथ इसे अपने हाथ से टच कर सकें। ठीक है, क्योंकि ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो वो फिर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आप चाहें तो इस पर चांदी का वक्र लगा सकते हैं वर्क, हम चांदी का वर्क नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको हम, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और आप इस पर चाहें तो कोई ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, बट नारियल अपना खुद में एक अच्छी सी खुशबू होती है नारियल की, इस वजह से हम इसमें कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। और इसको अभी कट भी नहीं करेंगे, और इसको अब हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। चाहे आप काउंटर पर ही रख दें, किचन काउंटर पर, और जल्दी है अगर आपको तो आप फ्रिज में रख दें। ठीक है, चलिए गाइस, बनाते हैं दूसरी नेक्स्ट रेसिपी अपनी। तो उसके लिए ये हमने फुल फैट मिल्क ले लिया है 1 लीटर। ठीक है, और ये कढ़ाई भी हमने वही ले ली, सेम कढ़ाई। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, बनाते हैं मिल्क केक। तो उसके लिए हमें मिल्क केक या लॉन्च, आप लोग जो भी कहते हो, तो इसको हम चलाते हुए अच्छे से बॉयल करेंगे। ठीक है, ये देखिए गाइस, दूध में बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अपनी 1 कटोरी चीनी और इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे फिर से।
ये देखिए गाइस, अब इसमें हम डालेंगे एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिससे कि हमारी लौंज बहुत अच्छी दानेदार एकदम से बनेगी, ठीक है। तो ये हमने लिया व्हाइट विनेगर, और इसमें देखिए थोड़ा सा एक स्पून व्हाइट विनेगर है और एक स्पून ही हम पानी ऐड करेंगे, और इसको हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करेंगे जिससे कि हमारे हमारा जो ये दूध है वो बिल्कुल पूरी तरह से फटे भी नहीं और हल्के से उसमें दाने आ जाएं। इसको थोड़ा थोड़ा करके हम डाल देंगे, ठीक है। देख सकते हैं ये हमने डाला हुआ है, ये देखिए ये हमारे बनने चालू हो गया लच्छा, ठीक है, दाने बनने चालू हो गए, ये देख सकते हैं, ये देखिए। तो इसीलिए कहा था, तो ये हम अपना दो स्पून पूरा का पूरा विनेगर डाल दिया है। दो स्पून विनेगर नहीं था तो एक स्पून विनेगर एक स्पून पानी, ठीक है, मिला के ऐड किया। अब इसमें हम कुछ नहीं ऐड करेंगे, इसको ऐसे ही पकाएंगे, क्योंकि ज्यादा विनेगर अगर डाल देते हैं तो हमारा ये फट जाएगा, तो उसको हमें फाड़ना नहीं है पूरी तरह से, बस इतना डालना है कि अच्छे से दाने बनते रहे। तो ये जब हम बॉयल करते रहेंगे ये इधर से हम स्क्रिप करके अंदर भी करते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम पकाते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा दूध जो है आधा हो गया है, और आप इसके देखिए देख सकते हैं कि जरा सा विनेगर डाला था उसकी वजह से कितने बढ़िया निकले हुए हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे इलायची, ठीक है, कूट कर 10 से 12, और इसको और पका लेंगे अब, ठीक है। आप पूरा फुल पकाएंगे, ठीक करेंगे। देखिए गाइस, आप देख सकते होंगे कितनी दानेदार हमारी ये बन रही है। और इस टाइम पर अब आपको फ्लेम धीमी रखनी होगी, वरना नीचे यहाँ पर चिपक सकता है। अभी तक तो हाई फ्लेम पर हम सारा काम कर रहे थे, बट अब हम काम करेंगे स्लो फ्लेम पर, ठीक है। तो इसको चलाते हुए अच्छे से और भी पकाना है, क्योंकि इसका मॉइस्चर खत्म होना चाहिए। देखिए गाइस, इस समय पर आप फिर से फ्लेम को फुल कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पर बबल्स नहीं बाहर आ रहे हैं, और इसको अच्छे से आप फुल फ्लेम पर सुखा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए वो फ्लेम जब बाहर गिरने लगते ना, बबल्स छिटकने लगता है हमारा खोया, तो उस टाइम पर हमें धीमा करना पड़ता है। और इस टाइम पर अब ये छिटक नहीं रहा है, तो इस टाइम पर हम फिर से फ्लेम को फुल कर सकते हैं। देखिए फुल करने पर थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, मॉइस्चर जल्दी सूखेगा, तो इसका मॉइस्चर हम सुखा लेते हैं। ये देखिए, इस टाइम पर हम अपनी फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। इससे ज़्यादा अगर आप बनाएंगे ना, पकाएंगे इसको, तो इसमें जो नरमपन रहता है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से रखेंगे और इसको अब हम ठंडा होने देंगे। तो इस मिठाई में ये अच्छी बात है, इसको पूरी तरह से आराम से ठंडा कर लीजिए और उसके बाद में इसको सेट कर दीजिए। तो इसको हम ठंडा करेंगे इसी बर्तन में, बाद में सेट करेंगे। ये देखिए गाइस, हमने पूरी इसमें ड्राई फ्रूट फैला दिया है, और अब इसको हम इसमें फिल कर देंगे, ठीक है। ये देखिए गाइस, इसको हमने ऐसे टैप थोड़ा सा कर देंगे जिससे कि बराबर से हो जाए, ठीक है। और इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। हमारी लॉन्च की मिठाई ये कितना फ्रिज में रखने से कितनी बढ़िया हो गई है, और अब इसको हम इसमें कट के निशान लगा देंगे। और ये देख सकते हैं आप कितनी आसानी से कट के निशान लग रहे हैं, ये देखिए। तो इसको हम कट करते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए कट गया है, अब इसको हम पलट लेंगे, कुछ नहीं करना है, ये हमारा प्लास्टिक का है तो आराम से पलट कर आ जाएगा, देखिएगा भी। ये देखिए कितना अच्छा सा है, ड्राई फ्रूट्स ऊपर कितने प्यारे आए हुए हैं। और आप चाहे तो इसे उससे चांदी के वर्क से सजा सकते हैं, या हमने ड्राई फ्रूट से सजाया हुआ है। तो चलिए इनको सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस, कट कर रेडी है बिल्कुल हमारी लॉन्च, और इसको हमने गार्निश कर दिया है, थोड़ा सा और डेकोरेट कर दिया है रोज की पत्तियों के साथ। तो चलिए दूसरी रेसिपी देखते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी बिल्कुल आराम से जम चुकी है ये भी। तो इसको आप हमने इसमें पॉलिथीन डाली थी, तो आराम से पहले कट के निशान लगाते हैं, उसके बाद में हम इसको भी निकालेंगे। ये नारियल की बर्फी हमारी देखिए कितनी स्मूथली कट रही है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। इसको मनचाहे आकार में कट करते हैं, ये देखिए गाइस। इसको हमने कोई चांदी कवर या किसी से नहीं हमने इसको डेकोरेट किया है, बट क्योंकि नारियल में अपने खुद ही एक अच्छी सी खुशबू होती है उसकी वजह से। तो चलिए इसको भी
देखिए इसमें हमने पेपर लगाया है, तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा निकल कर आया है। और इसको ऐसे ये देखिए इस तरह से निकाल देंगे, ये देखिए आराम से, तो आप देख सकते हैं। एक मिनट, इसकी एक पहले पीस हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए कितना प्यारा है, एकदम नारियल की बर्फी इस तरीके से बनाइए। तो चलिए इसको भी हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए गाइस हमारी नारियल की बर्फी, इसको हमने रोज पेटल्स से गार्निश किया हुआ, तो देख सकते हैं हमारी रक्षाबंधन स्पेशल ये रेसिपी। तो आप लोग बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। प्लीज अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।